हाय गाइस, दिस अगेन इलैयाराजा स्वर्णम। एक्चुअली मैंने इससे एक इससे पहले मैंने एक 3 वीडियो और 4 वीडियो पोस्ट की थी लाइक अनबॉक्सिंग के बारे में फॉर मेटल डिटेक्टर्स इन इंडिया विच इज़ इन अ चीपर लेवल के डिटेक्टर्स के बारे में। एक 2-3 वीडियो मैंने पोस्ट करी थी फॉर अनबॉक्सिंग। सो उस टाइम में मुझे पता चला कि स्टिल हमारे यहाँ पे थोड़े मेटल डिटेक्शन के बारे में और इसको क्लासीफाई करने के लिए थोड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो पोस्ट करता हूँ जिसके बारे में मैं बताऊँगा कि मेटल डिटेक्टर कैसा क्या है मेटल डिटेक्टर और उसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं अपने यूसेज के हिसाब से। सो देखिए, मेटल डिटेक्टर्स और कुछ नहीं, बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो उसके करीब में जो मेटल या जो सॉइल के अंदर बरीड रहती है उसको पता करने में यूज़ होती है। बस वो आती है एक हैंडल्ड यूनिट के साथ और एक सेंसर, और ये दोनों कनेक्ट होती है प्रोब के साथ। सिंपल इन ए सिंपल लैंग्वेज पे। सो इसका है कि ये नॉर्मली क्या है, जो सेंसर इसके साथ कनेक्टेड रहता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब एक प्रोडक्ट के साथ और एक मेटल के साथ कॉन्टैक्ट पे आती है तो वो आवाज़ के द्वारे पर आपको इन्फॉर्म करती है कि समथिंग इज़ देयर। ओके, सो चलिए इसके डिफ्रेंशिएट करते हैं। टेक्नोलॉजी के बेस पे तो अलग होती है, वो जाएंगे तो पूरे वॉइड पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक VLF, PI और ZBT जैसे मेन टेक्नोलॉजी है। तो PI के हिसाब से PI मतलब VLF होता है वेरी लो फ्रिक्वेंसी। तो इसके अंडर में आती है मशीन्स जैसे कि गोल्डमास्टर 1000 माइन लैब के, देन गोल्डबैक 2 ऑफिशर लैब की आती है, गैरेट की आती है, 80 गोल्ड आती है, 80 प्रो आती है, AS150, AS250, AS0 ऐसी बहुत सारी मशीन्स आती है इसके अंदर। और PI डिटेक्टर्स मतलब पल्स इंडक्शन में आती है गैरेट की, ATX आती है, GPX सीरीज़ आती है माइन लैब की, 4500 और 5000 आता है, और बहुत सारी मशीन्स आती है जो प्रोफेशनल वे में रहती है, सब प्रोफेशनल कैटेगरी में आती है। और दूसरा है ZBT सिर्फ एक ही मशीन में पाई जाएगी आपको, और वो है GPZ 7000। इसके ऑप्शंस नहीं है, बस वही है सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और है एक ही मशीन पे। माइन लैब कंपनी जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है वो, और वो है GPZ 7000 पे। सो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हमारे यूसेज के लिए, एक आइडिया मिलेगी कि कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम मेटल डिटेक्टर्स को। सो अगर आप ऐसी चीज़ है कि आई एम हैविंग अ हॉबी, मुझे मेटल डिटेक्शन में इंटरेस्ट है और मैं एक चीपर लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ दैट, और आप किसी को जैसे कि अपने बच्चों को जस्ट एक नॉर्मल डिटेक्टर गिफ्ट करना चाहते हैं जो उनके एडवेंचरस को थोड़ा बढ़ाएगी, एडवेंचरस बनेंगे जिससे उनको थोड़ा बेकार की चीज़ों पर डाइवर्ट होने से अच्छा एडवेंचरस मेटल डिटेक्शन में रहेंगे तो यूज़फुल रहेगा शायद, मे बी मेरे तरफ से। सो ऐसी चीज़ के लिए एक कैटेगरी है GoFind सीरीज़ ऑफ माइन लैब का GoFind सीरीज़। ये बीचेस एरिया पे बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों से बस कुछ सामान को जस्ट छुपा के बस उसको फाइंड करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। GoFind सीरीज़ प्लास्टिक मॉडल में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चिल्ड्रंस एबिलिटी के लिए बनी पड़ी है वो। और उसके साथ में आएगा GoFind सीरीज़ के साथ और है गैरेट के एस सीरीज़ जिसका मैंने अनबॉक्सिंग करा था पहले। सो AS150, 250 ये सब कुछ आएगी उसमें। सो इसके बाद में आएंगे हॉबी प्लस प्रोफेशनल वन। सो हॉबी और प्रोफेशनल वन के लिए ऐसा डिटेक्टर्स जो आपको हॉबी से आप यूज़ करते हो उसको, एज वेल एज उसको आपको थोड़ा रिजल्ट भी दे तो थोड़ा यूज़फुल रहेगा। गैरेट की प्रोडक्ट्स 80 सीरीज़ में जो भी आती है 80 प्रो, 80 गोल्ड, और माइंड लैब की देखा जाए तो इतराक नाम का एक मशीन है, देन इक्विनॉक्स 800 नाम का मशीन है, इक्विनॉक्स 600 है, बहुत सारा ऐसा मशीन्स है और सफारी है, माइंड लैब का सफारी है, ये सब मशीन्स है जो प्रोफेशनल एज वेल एज हॉबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो थर्ड पार्ट कम्प्लीटली प्रोफेशनल ऐसी चीज़ जो आप बहुत सीरियसली आप ट्रेजर या कोई है जो ट्रेजर हंटिंग सीवियर जॉब पे कर रहे हैं, सो उनके लिए प्रोफेशनल मशीन्स चाहिए तो पक्का यही मशीन है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, GPX सीरीज़ माइंड लैब की। तो ये ऐसा मशीन है GPX 450 इसका एक मॉडल है और एक है GPX 5000। सो ये मॉडल ट्रेजर हंटिंग के लिए कैसा यूज़ कर सकते हैं, इसको कनेक्ट करना पड़ता है एक बड़े कॉइल सेंसर से
सेंसर के साथ, कॉइल या सेंसर जो भी उसे बोलते हैं आप, 22 इंच मैक्सिमम साइज़ होता है। तो ये मशीन को इस 22 इंच कॉइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जाएगा 3 मीटर डेप्थ तक आपके लिए। तो ये बेस्ट रहेगा लाइक फॉर ट्रेजर हंटिंग ऐसा चीज़ के लिए। और इसी के लेवल पे आएगी जर्मन की एक मॉडल, नाम है लॉरेंस Z1 डीप मैक्स। सो ये भी ट्रेजर हंटिंग के लिए यूज़ होता है और प्रोफेशनल, कम्प्लीटली प्रोफेशनल मशीन है ये। इसकी मैक्सिमम डेप्थ है अराउंड 4 to 6 meters डेप्थ ऐसा जाती है, 4 to 6 meters ये रेंज पर आती है इसकी नॉर्मल डेप्थ। सो यही है बस मेटल डिटेक्शन और इसकी लाइक क्लासिफिकेशन हमारे तौर पे, लाइक हम इसे कैसे जानना चाहते हैं इसके तौर पे मैंने इसके डिस्प्ले क्लासिफाइड किया है। सो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी इंक्वायरीज जो भी है, क्वेरीज जो भी है आप भेज सकते हैं मुझे, तो मैं एज सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो बस यही था बात जो मैं इस वीडियो में बनाना चाह रहा था। सो फॉलो करते रहिए और वीडियोस के लिए, और बस शुक्रान, थैंक यू।